के, और अभी टाइम हुआ है, एक बार टाइम देख लेता हूँ, टाइम हुआ है 3:30 सुबह के। और कहीं पे भी जाना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप सुबह सुबह निकलो, जितनी जल्दी सुबह निकलोगे उतना रोड खाली मिलेगा और मौसम भी ठंडा मिलेगा, आजकल गर्मियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह जाना अच्छा रहेगा, तो सुबह सुबह लेके चलता हूँ आपको बाइक की राइड पे पहाड़ों की तरफ। देखते हैं कहाँ जाना है, ये मैं आपके बताऊँगा। नरवाना पहुँच गए हैं, मैं चला था 4 बजे इस हार से और नरवाना पहुँच गए हैं। और यहाँ मैंने चाय पी है अभी इस बूथ पे, और हम चलते हैं। सवा 6 हो गया और हम पहुंच गए पे आगे नज़दीक, और सनराइज का टाइम भी हो गया है। पूरे 200 किलोमीटर हो गए, टाइम हो गया 7 बज गए हैं। और ये है अम्बाला, मतलब आउटर एरिया है, बार बार बाई पास के थ्रू अम्बाला का एरिया। तो 3 घंटे में हिसार से अम्बाला आ गया मैं, क्योंकि रोड भी खाली था और स्पीड भी ठीक ठाक ही चली। फिर ये आ गए हैं पहाड़ अपने, यहाँ से शुरुआत होगी अपने प्यारे हिमाचल की, जो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। ये है कुनियार का नवोदय स्कूल, कहाँ गया वो रहा, हाँ यहाँ हमारा NCC कैंप लगा था। और बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं हमारी यहाँ की, मेरी और सब्बू की खासकर। फिर हम सब्बू के गांव गए थे, सब्बू मेरा दोस्त है, जिगरी खास दोस्त, और उसका गांव है कुनियार में ही पड़ता है। कुनियार से जाता है अंदर को रास्ता बड़ा लग, वो सब्बू का है उधर लेफ्ट साइड में, मतलब वहाँ से। और जो हमारा दोस्त हितांशुल था उसका घर है कुनियार से राइट साइड में अंदर को, वो क्लास में हमेशा ऐसे बोलता था कि अंदर को मेरा घर कन्या याद है। 11 बज गया, मेरे को लग रहा है अब गर्मी का मौसम हो गया स्टार्ट, और बाढ़ों की हालत बहुत, हेलमेट में ऐसी हो जाती है, तो बड़े हो गए हैं काफ़ी। बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे, तभी मेरा मन करता है कि बस पहाड़ों में ही घूमता रहूँ, शांति और सुकून है। और ज़िंदगी में खुद के लिए भी टाइम ज़रूरी है, चाहे अकेले घूमने जाओ कहीं भी जाओ, ज़रूरी है भाई। भाई दिन में तो था मैं अपने दोस्त हितांशुल के घर पे, और वहाँ मैं 11 बजे पहुँच गया था, तो वहाँ से निकला मैं 4 बजे, और अब आया हूँ मैं नौणी, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। नौणी मतलब मेरी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जिससे मेरे को बहुत प्यार है। और अभी मेरे दोस्त आने वाले हैं मेरे को लेने, मेरे को आज थोड़ी शर्म आ रही है जाने में, बड़े दिन बाद आ रहा हूँ, तो मैंने उनको थोड़ा आउटर पे बुलाया है। ओ रे सिया भाई। अरे किट्टू भूत क्या चल रहा है। अरे दिव्यांशु जी सिर पे बाल। अरे लंगड़ा भाई अपना। हाँ भाई ड्राइवर बाहर निकल जल्दी। आ जाओ जी देवगन जी, अपने बैच का बंदा डेल्टा भाई, भाई ये मैडी अपना भाई। हरिओ बरूप डॉक्टर बरूपाल फ्रॉम राजस्थान। ये तो अपना ही है, लंगड़े हो चुके हैं अब। नौणी का एक्सपीरियंस बताएं थोड़ा सा। एसी आपके साथ सेल्फी सेशन हो रहा है। आज से हर रोज पैसे यही देगा। मैं खाऊं व्हाइट सॉस खाऊंगा, कितना ही होता है। चलो कैसा लग रहा है तेरे को जॉब क्लियर करके। 10 ताने रुक गए। कट करना पड़ेगा अब इसमें, चाहे हाँ बोले चाहे ना बोले, हंसेगा ही है ना। सही बात है, ये कीड़े का इलाज करा रहे हैं ना। असली कीड़ा तो तू है।
वाह यार क्या भाई हीरो लग रहा है पूरा शर्म नहीं आ रही तेरे को बड़े भाई के साथ ऐसे हरकतें कर रहा है बता रहे इसको टोटा भाई क्या स्वैग है भाई नौकर पकड़ ले मेरी आंटी जी मेरी मम्मी जैसी नमस्ते हेलो मेरा छोटू और आंटी कैसे सही आते बाल भी लंबे कर लिए इसने अच्छे लगे तेरे बाल ऐसे पीछे को हाँ ये तो हेलमेट से चिपक गया आंटी अच्छा नहीं ऐसे आगे से प्लेन और पीछे से कर लिए नानी वो याद है फोन वाला याद है याद है फिर तो नानी फिट है अभी है ना ठीक है मतलब सब कुछ याद है याद तो बिल्कुल है क्या लुक रखी है साला जब भाव दो ना बंदे को एक्स्ट्रा खाता है क्यों वरना ऐसे इसको बोलते नहीं ना तो अच्छा लगा तुझे देख के यार ये दाढ़ी कटा ले मैं बोल रिक्वेस्ट है भाई तेरे से बड़े भाई प्लीज कटवा लेंगे और देख सकते हैं हमारे आज सीडा जी आए हैं यार वही कैंपस वाला व्लॉग बना रहे हैं ये कैंपस का नहीं प्रियांका ही बना रहे हैं इस बंदे में अरे घना हो रहा है अरे बापू घना हो रहा है ये कहने लगे हरियाणा बना देंगे घना चल दाढ़ी कटवा लियो ओके रिक्वेस्ट थोड़ी पहले कंटेंट को डालना ठीक है हां हां पक्का 100% ओ भाई साहब ऋतिक कोई मिल गया कि ऋतिक आते हुए बाय बाय